सच बोल के, दयानंदारी, मोहब्बत, ईसार, वफा, सही तोलना, सही बोलना और माँ बाप की खिदमत, बीवी के साथ अच्छा सलूक, औलाद के साथ मोहब्बत, ये सारे वो चैप्टर हैं जो इस वक्त बिल्कुल अधूरे पड़े हुए हैं। और सिर्फ नमाज पढ़ लेना और हज उमरे पे ज़ोर लगा देना बहुत अच्छी बात है, मैं किसी नेकी की कदर नहीं घटाना चाहता, लेकिन और भी दुख हैं ज़माने में, मोहब्बत के सिवा राहतें और भी हैं, वसल की राहत के सिवा। इस्लाम तो एक ज़िंदगी है, ये तो चंद मुख्तसर इबादत पूरी ज़िंदगी पर तो नहीं है ना, इसलिए मेरी फरियाद सुनो अल्लाह के वास्ते। उलमा से भी कहता हूँ, खतीबों से भी कहता हूँ, अपना मसलक पेश न करो, इस्लाम पेश करो। इस्लाम ऐसी खूबसूरत ज़िंदगी है कि इसका खरीदार आपको हर इंसान बनेगा। आप सुन लेंगे तो आपका एहसान होगा, अब कर लेंगे तो आपकी दुनिया भी बनेगी, आखरत भी बनेगी। वरना फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले, वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। अस्सलामु अलैकुम।